हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज़ की तरह मैं आज भी नौकंटा का रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स यूट सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। और इस मंथ के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सबके लिए मेरे तरफ से, कि जितने भी लोग मेरे रीडिंग को देखते हो, देख रहे हो, आप सब लोग कमेंट करना, ठीक है? जो भी आपसे रेजोनेट हो, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। और मैं वीकेंड में किसी एक को फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँगी, कमेंट बॉक्स से किसी एक को मैं चूज़ करूँगी, ठीक है? और उनमें से किसी एक को मैं फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँगी वीकेंड में, ठीक है? और मैं वीडियो में ही अनाउंस कर दूँगी आपका नेम, जो भी लकी होंगे जिनका भी मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है? तो स्पेसिफिकली किसी एक का मैं चूज़ करूँगी। तो ऐसे करके इस मंथ में हर एक वीक में फ्री रीडिंग आपको किसी ना किसी को मिलेंगे, आप में से किसी को। और जितने लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं कमेंट से ही नंबर, मतलब आपका नेम चूज़ करूँगी, तो आपको कमेंट करना है। तो हर किसी को कमेंट करना है ताकि आप जो है फ्री रीडिंग पा सको। ओके, चलिए देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को आप पीछे करके सुन लो ताकि आपको समझ में आए। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की कारण एनर्जी कैसा है, कारण सिचुएशन कैसा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कारण सिचुएशन आज के दिन में, ओके, फाइटिंग। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर फाइटिंग का निकल कर आया है गाइस। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, किसी के साथ उनका फाइट हो रहा है, गुस्से वाली एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज एंजल एक एक करके कार्ड दो मुझे, ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। जब भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अबंडेंस, तो करियर में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको नहीं लूंगी। ओके, तो करियर में उनको स्टेबिलिटी मिल सकते हैं, करियर में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, साथ ही साथ किसी के साथ उनका फाइट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सक्सेस का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, लेकिन बहुत सारे हैं। वन मोर कार्ड एंजल, आपके पर्सन खुद की इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए बॉटम से सक्सेस आना था इसलिए आ गए हैं। तो वो दो कार्ड मुझे लग रहा था कि ऐसे ही मैं निकल लिया, ठीक है, इसलिए मैंने रख दी थी। तो सेलिब्रेशन का कार्ड था और एक एस ऑफ सोर्स का कार्ड था। देखिए वो कार्ड्स नहीं आया है, लेकिन ये कार्ड बीच में अनफोल्ड हुआ था तो ये कार्ड्स आ गए, ठीक है। तो सक्सेस आ रहे थे तो इसीलिए फिर से आ गया ये कार्ड। तो जिस कार्ड को आना होता है वो ज़रूर आ जाते हैं। एनर्जी की अगर यहाँ पर के साइंस बता देती हूँ आपको, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये साइन है आपके पर्सन आज के दिन में बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकते हैं, किसी के साथ फाइट, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो सकता है, पेंटिकल को लेके फाइट हो सकता है। और आपके पर्सन आज के दिन में आपको ड्रीम में देख सकते हैं, या तो फिर देखे हैं वो ऑलरेडी आपको ड्रीम में, ठीक है, उनके ड्रीम में आप आए थे, या तो फिर आपके ड्रीम में आपके पर्सन आया था आज, ठीक है, इस तरीके के भी हो सकते हैं। और आपके पर्सन डे ड्रीम भी कर रहे हैं आपको लेके,
और साथ ही साथ आप दोनों का जो भी कनेक्शन है उसको स्पिरिचुअल कनेक्शन समझते हैं, या तो फिर आपके पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, उनको नॉलेज विस्डम मिल रहा है कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में उनको, ठीक है, उनके अंदर से गाइडेंस उनको रिसीव हो रहा है। देखिए इनर वॉइस, साथ ही साथ यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, तो आपके पर्सन को नॉलेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, और उनका थर्ड आई चक्रा अभी ओपन हो रहा है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि उनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और कारेज गेन कर रहे हैं ताकि सक्सेसफुल हो सके और सक्सेसफुली थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ सके। चलिए क्लैरिफाई करते हैं किसके साथ फाइट हो रहा है आपके पर्सन के, ठीक है, चलिए देखते हैं किसके साथ फाइट हो रहा है आपके पर्सन की। टावर का कार्ड भी आ चुका है यहाँ से, प्लीज एंजल डेक को क्लींस करें एंड क्लैरिफाई करें कार्ड्स को, प्लीज एंजल क्लैरिफाई करें कार्ड्स को इस डेक से। ओके, नंबर में यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, तो जिनको भी नंबर चाहिए आप लोग ले सकते हो इस वीडियो को पीछे करके, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में है नंबर। ओके, चलिए फाइटिंग क्यों आया है, फाइटिंग क्वेश्चन जो गाइड करें, फाइटिंग क्यों आया है यहाँ पर, फाइटिंग किसके साथ फाइट हो रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, जो भी कंट्रोलिंग है, देखिए फाइव ऑफ वैंड्स दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्स आया है और टेन ऑफ सोर्स, ओके, और हेरोफ्रेंट, उसके बाद दी एम्प्रेस। तो यहाँ पर देखिए शादी को लेके फाइट हो रहा है, या फिर ऑलरेडी अगर मैरिड है तो वहाँ पर फाइट हो रहा है। अगर कोई कंट्रोलिंग है, मम्मी कंट्रोलिंग है, कोई भी कंट्रोलिंग है, जो भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो सिचुएशन में फ़ाइट हो रहा है। अगर शादी को लेके उनके मम्मी पापा उनको कंट्रोल कर रहे थे, वो वहाँ पर फाइट हो रहा है। आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको वो खोना ही नहीं चाहते किसी हालत में, ठीक है, कुछ भी हो जाए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पर आपके तरफ कोई जेस्चर करना चाह रहे हैं। कोई एक मुझे कमेंट किया है, मुझे पता नहीं कौन सी वीडियो में कमेंट किया है, तो जो भी हो कोई मेरे व्यूअर्स कमेंट किया है कि मैम आप तो ये नहीं बताते हो कि जब भी मेरे पर्सन आते हैं मुझे ड्रेन कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए जिनका भी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो आपको अंदर से गाइडेंस मिलता है कि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, तो आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है, और ये जनरल प्रेडिक्शन है तो स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं है, ठीक है, आपको जितना रेजोनेट करते हैं उतना ही आपको रखना है। अगर आपको खुद को पता है कि वो रिलेशन आपके लिए सही नहीं है, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, जब भी बात करते हैं आपको नेगेटिविटी में धकेल देते हैं, आपको ड्रेन कर देते हैं, आप जितना ग्रो करते हो, जितना खुश रहने की कोशिश करते हो, जब वो वापस आते हैं फिर से आपको लोअर वाइब्रेशन में धकेल देते हैं, तो यहाँ पर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। उस पर्सन को दूसरी बार अपने लाइफ में चांस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उनसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो कॉल मैसेज आपको करते हैं, क्योंकि जब भी वो आपसे कॉल मैसेज करते हैं हो सकता है उन्होंने टॉक्सिक बिहेव करते होंगे, आपके साथ फाइट करते होंगे, आर्ग्यूमेंट करते होंगे, आपको कुछ गलत बोलते होंगे, तभी आपको ऐसा लगता है, तो डेफिनेटली आपको जो है वहाँ से बाहर आना है। अबंडेंस क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, अबंडेंस क्यों आया है, कंप्लीशन, फिर से फाइव ऑफ बैंड्स के कार्ड आ गए, सेम कार्ड वापस आ गए गाइस बॉटम से, तो किसी के साथ फाइट हो रहा है गाइस, और उसके साथ कंप्लीशन आने वाला है, उस सिचुएशन को एंड करने वाले हैं, और वो सिचुएशन शादी से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, और देखिए थर्ड पार्टी के सारे ही कार्ड्स हैं यहाँ पर, और ये कार्ड भी वापस आ गए बॉटम से, पता नहीं क्यों, तो यहाँ पर टू ऑफ बैंड्स और दी एम्प्रेस, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है और मैरिज को लेके, मैरिज से रिलेटेड, अगर आपके पर्सन टॉक्सिक मैरिज में है तो वहाँ पर वो एंड करना चाहते हैं, वहाँ पर फाइट हो रहा है, और आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल चुका है कि उनको न्यू बिगनिंग करना है, इसीलिए वो उस साइकिल को एंड करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और हो सकता है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे आगे आने वाले टाइम में। अगर उनके फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो वो खुद को स्टेबल बनाना चाह रहे हैं पहले। टोटलिटी क्यों आया है,
किसके साथ फाइट हो रहा है। देखिए फाइव ऑफ बैंड्स दोनों कार्ड को क्लैरिफिकेशन में आया था और ये भी फाइव ऑफ बैंड्स का ही कार्ड है, तो फॉर श्योर कि आपके पर्सन की फाइट हो रहा है किसी के साथ, ओके। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके और प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। तो आपको भी ऐसी एनर्जी में रहना है, खुद को बैलेंस रखना है, खुद की पावर को, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा ही। और खुद के काम में, खुद के लाइफ में हैप्पी रहना है, फोकस करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं हो तो आपको ऐसा बनना होगा, तब जाके आपके पर्सन आपको जो है रिस्पेक्ट देंगे, आपको प्यार देंगे। तो आपके पर्सन खुद मैजिशियन बन के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मून का कार्ड है, लेकिन वो छुपाते हैं और आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। वेटिंग सिचुएशन हो सकते हैं आप दोनों के बीच, अगर आप दोनों के बीच पास्ट में कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, तब आपके पर्सन फिर से वापस आ रहे हैं चैरियट के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए फाइव ऑफ सोर्स, तो किसी ना किसी के साथ तो फाइट हो रहा है गाइस, या तो फिर आपके साथ अगर पास्ट में फाइट हुआ था तो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ चैरियट के साथ, ओके। सिज़ोफ्रेनिया क्यों आया है, सिज़ोफ्रेनिया क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें, सिज़ोफ्रेनिया क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। और देखिए यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, कारेज का कार्ड है, और यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आपके पर्सन इनडिसाइसिव है कि कैसे वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, कैसे वो आपके तरफ आगे बढ़े, ठीक है, कैसे वो आपके लिए एक्शन ले। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, कोई दो फीमेल हो सकते हैं या तो फिर दो ऑप्शन है, लेकिन आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, पावर गेन कर रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी से वो बाहर आ सकें। और यहाँ पर देखिए दी स्टार, तो आपको ही उनका विश फुलफिलमेंट मानते हैं। और यहाँ से किंग ऑफ व्हील्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ व्हील्स ऑलरेडी आए हुए हैं ये कार्ड, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके तरफ भी आना चाहते हैं, आपको ही अपना जो है पार्टनर मानते हैं, तो आपके साथ ही ट्रू लव, ट्रू बॉन्ड फील करते हैं, ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर हैं। और आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं आपके पर्सन, साथ ही साथ आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। इनर वॉइस, उनका इनर वॉइस क्या गाइड कर रहा है, प्लीज एंजॉय गाइड करें, उनका इनर वॉइस क्या गाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स आ गए, वहाँ से क्वीन ऑफ कप्स आया था, और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो मैं इसको नहीं लूँगी अभी, वन सेक। इनर वॉइस क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें, इनर वॉइस क्यों आया है, इनर वॉइस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको गाइस, आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपके लिए ही डिसीजन लेना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड, यहाँ पर जजमेंट होगा, डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। मेमोरी ऑफ लव, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके मेमोरी में खोए हुए हैं, ओके। पैसों को लेके कई दिक्कत है, लेकिन पैसा जब बैलेंस हो जाएगा उनका, तब वो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए ही उनको डिसीजन लेना है, ये गाइडेंस उनको मिल चुका है। दी ड्रीम क्यों आया है, दी ड्रीम क्यों आया है, बहुत ज़्यादा कार्ड दे रहा है, उनको पेंटिकल का इशू है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा काम में फोकस कर रहे गाइस, और किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना चाह रहे हैं। 88 की एनर्जी है और वो सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। और वो सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी, थ्री ऑफ सोर्स, और ये सारे कार्ड भी गिर गए थे गाइस नीचे, टेन ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ वैंड एंड टू ऑफ कप्स। देखिए कार्ड गिरे हैं जरूर, लेकिन यहाँ पर देखिए कार्ड सब दोनों कार्ड सेम है, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ वैंड्स। तो जिस भी बार्डन सम सिचुएशन में है, जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वहाँ से सक्सेसफुली बाहर आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, प्यार का इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। और किसी सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट है, वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्स मतलब थर्ड पार्टी से, और उस सिचुएशन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, डेथ कार्ड, ठीक है। तो वो सिचुएशन एंड होगा, और आपके पर्सन की फाइनेंस में अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो काम कर रहे हैं लगातार फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये भी सिक्स ऑफ कप्स है, ये भी सिक्स ऑफ कप्स है, तो सारे कार्ड एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं।
और आपके पर्सन हमेशा ही आपको स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, उनका नज़र आपके ऊपर बना के रखे हैं। अवेयरनेस, किस चीज़ का अवेयरनेस उनको आया है कि एंड करना होगा कुछ सिचुएशन को और न्यू बिगिनिंग करनी होगी, और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शादी का भी कार्ड है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपसे शादी नहीं कर पा रहे, वो सिचुएशन को एंड कर सकते हैं। और कुछ लोग के पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, मैरिज की भी एनर्जी है, तो दो दो मैरिज की एनर्जी है। हैरोफेंट है, फोर ऑफ वैंड्स है, लवर्स है, फोर ऑफ कप्स है, तो मैरिज से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है, मैरिज से रिलेटेड एंडिंग्स भी हो सकता है। चांसेस है दोनों ही, ठीक है, कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच टॉक्सिक मैरिज है, ठीक है, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको एंड भी करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका सिचुएशन कैसा है। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपके साथ खुश नहीं है, तो यहाँ पर आपके साथ भी यहाँ पर एंडिंग्स आ सकता है। दी करेज क्यों आया है, डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे रिलेशनशिप में हो, आपका पर्सन आपके लिए कैसा है। करेज क्यों आया है, या तो फिर मैरिज के बीच में अगर कोई अदर्स पर्सन आ रहे, थर्ड पार्टी आ रहा है, वो सिचुएशन नहीं होगा। करेज क्यों आया है, किस लिए करेज चाहिए। किंग ऑफ सोर्स, कुछ सिचुएशन को काट ऑफ करने के लिए, शादी करने के लिए, देखिए शादी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फोर ऑफ सोर्स, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है गाइस, थर्ड पार्टी के साथ बातचीत नहीं हो रहा है, आपके पर्सन की रूट कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन कारेज गेन कर रहे ताकि वो आपसे आपके साथ शादी कर सके, सॉलिड कमिटमेंट वो आपको दे सके। ओके, हैरोफेंट क्यों आया है यहाँ पर, बार बार शादी के कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। एंजल सोच रहे बहुत ज़्यादा शादी के बारे में, और यहाँ पर ऑलरेडी अगर मैरिड है तो वहाँ पर फाइट हो रहा है गाइस, वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं आपके पर्सन, और आपको चोरी छुप के देखते हैं, स्पाई करते हैं, आपके लिए इमोशनल है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, लव है, तो यहाँ पर ये एनर्जी आपसे पॉजिटिवली रेजोनेट करेगा। अगर आपका रिश्ता सही है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं है आपका रिश्ता, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी दिखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को टिगर भी मिल सकता है अगर आपका रिलेशन सही नहीं है। ठीक है, और जिनको भी लग रहा है कि आपका रिश्ता टॉक्सिक है, आपके पर्सन टॉक्सिक है, वो आपको ड्रेन करते हैं, तो डेफिनेटली आपको खुद के लाइफ में फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, मूव ऑन कर जाना चाहिए उस रिलेशनशिप से। ठीक है, जहाँ पर आपका रेस्पेक्ट नहीं है, जो पर्सन हमेशा आपको टॉर्चर करते हैं मेंटली फिजिकली, तो वहाँ पर आपको नहीं रहना है गाइस। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, ज़रूर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो गाइस, ओनली 333 में आपको करंट फीलिंग्स का रीडिंग मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। तो देखिए आज की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी रिलीज, ऐसी एनर्जी निकल कर आए हैं, फाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। तो करेंट एनर्जी में तो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फाइट हो रहा है किसी सिचुएशन में, ये मुझे दिख रहा है। अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट है तो थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है काफ़ी हद तक। प्लीज एंजल गाइड मी, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये कार्ड आना चाहते हैं। इमोशनल लॉस, थर्ड पार्टी, स्ट्रेंथ, फॉर्म फाउंडेशन, टू मोर कार्ड एंजल। ओके, न्यू बिगिनिंग, थर्ड पार्टी, क्राउन चक्रा। आपके पर्सन को नॉलेज विजडम मिल रहा है, ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए, क्लैरिटी मिल रहा है। थर्ड पार्टी से कोई टिगर उनको मिलने वाला है। थ्री ऑफ सोर्स, इमोशनल लॉस, फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कोई ना कोई टिगर आपके पर्सन मिलेगा आने वाले टाइम में, आपके पर्सन को आने वाले 3 डेज के अंदर, यस, आने वाले 3 डेज के अंदर यहाँ पर आपके पर्सन को कोई ना कोई टिगर यहाँ पर मिल सकता है थर्ड पार्टी से। ओके, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। और यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल यूनियन, मेमोरी ऑफ लव, ये कार्ड्स आ रहे हैं अपने आप। टावर, तो टावर मोमेंट से झेल रहे हैं आपके पर्सन, टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। इमोशनल लॉस में क्यों रहेंगे,
कैसा इमोशनल लॉस। ओके, टू कार्ड्स आए हैं, मेटेरियल हार्वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। देखिए फॉर्स्योर फाइट होने वाला है, फाइट होने वाला है गाइस। अगर आपके साथ कांटेक्ट में है आपके पर्सन, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से बातचीत करना। अगर आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं या फिर किसी चीज़ में बात आगे बढ़ते हैं, तो आप थोड़ा जो है यहाँ पर बैलेंस बना लेना, या तो फिर उस सिचुएशन से बाहर आ जाना कि अभी नहीं बात करना है, बाद में बात करते हैं, नहीं तो आपके साथ भी फाइट हो सकता है। और 99 की एनर्जी है, कोई साइकिल एंडिंग होगा यहाँ पर। और डेविलिस एनर्जी के साथ डेथ कार्ड आया है, और ये सारे सब कुछ यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। फिर से नंबर 5 555 आ गया है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो मेजर चेंज यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी 5, ठीक है। तो आने वाले 3 डेज के अंदर, 5 डेज के अंदर ये एनर्जी आपको रेजोनेट करेगा आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ, या तो फिर जिसके साथ भी उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो पर्सन डेबिलिस है, ठीक है, डेबिल एनर्जी है, जो उनका कार्मिक है, हार्ड कोड कार्मिक है, मतलब उनके साथ कर्मा बॉन्डिंग है और वो रिश्ता एंड होना ही है। अगर ऐसा है तो वहाँ पर बहुत बड़ा फाइट होने वाला है वाइस गाइस, आने वाले 15 आवर्स के अंदर, 13 आवर्स के अंदर भी हो सकता है, और 5 डेज के अंदर हो सकता है। तो आपके पर्सन को इमोशनल लॉस फील होंगे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो जिन लोगों का बातचीत हो रहा है, थोड़ा आप लोग अलर्ट रहे। मुझे लग रहा है कि आपके साथ तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप उनके कार्मिक हो तो यहाँ पर आपको टिगर मिलने के भी चांसेस है। अदरवाइज जो भी कार्मिक साइकिल है आपके पर्सन के लाइफ में, वो कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होने वाले है, और आपका विश फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपने थर्ड पार्टी रिलीज को मैनिफेस्ट किया है, तो यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन रॉन्ग लाएगा, ठीक है। ओके, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें। सोलर प्लेक्सस चक्र, फिर से 99 की एनर्जी है गाइस। वहां से 99 आया था 2 टाइम्स, यहाँ से 99 आया है, मतलब 4 टाइम्स 9 आया है गाइस यहाँ पर। तो कोई मेजर लेवल पे कोई साइकिल एंड होने वाला है, और एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है यहाँ पर। और विक्ट्री का भी कार्ड है, देखिए वहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड आया था, और यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड है। साथ ही साथ ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, जहाँ पर भी वो ट्रैप्ड है, ठीक है। और आपके साथ यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा, सक्सेसफुली थर्ड पार्टी से बाहर आ सकते हैं आपके पर्सन। तो ये एनर्जी जो है आने वाले 9 वीक के अंदर आपको काफ़ी हद तक दिखने को मिलेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से बहुत बड़ा टिगर लगातार उनको मिल रहा है, और मिलेंगे, और सफ़र भी करेंगे आपके पर्सन, और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहने वाले हैं। कब तक न्यू बिगनिंग होगा, प्लीज इनको गाइड करें, कब तक न्यू बिगनिंग होने वाला है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग कब होगा। सैक्रीफाइस, वाओ, देखिए स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आ चुका है, मैसेज का भी कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर जो भी मैंने नंबर बताई है, वहाँ पर आपका रियूनियन हो सकता है आने वाले 5 डेज के अंदर भी, हो सकता है 2 वीक्स के अंदर, मुझे ज़्यादातर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइट वगैरह होने वाला है गाइस थर्ड पार्टी के साथ, और आपके पर्सन काफ़ी टाइम अपसेट रहने वाले हैं, सफ़र करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आने वाले 1 वीक के अंदर ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर रियूनियन हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, या तो फिर 2 वीक्स के अंदर बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, कॉल मैसेज रिसीव होगा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो गाइज ये था गाइडेंस आपके लिए, सॉरी नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। यूनिवर्स आपका मैसेज क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स। आपके पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे, और यस, फिर से नंबर 5, माय गॉड, थर्ड आई चक्र, उनका विजन क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पर 3 टाइम 5 आया था, यहाँ पर फिर से 5 आया, मतलब 4 टाइम 5 आया है, 4 टाइम 9 आया है, 4 टाइम यहाँ पर 3 888 आया है, 8 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ का कार्ड 8 और 8 ऑफ बैंड्स, ठीक है, 8 ऑफ बैंड्स। तो नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो कर्मा रिलीज होगा, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक है, दिख रहा है आपको नंबर 888 4 टाइम 9 यहाँ पर आए हैं, तो कोई साइकिल मेजर लेवल पे एंड होगा ही होगा, और कर्मा रिलीज की एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर शादी से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग होगा। अगर आप लोग शादीशुदा हो एक दूसरे से और सेपरेशन आया था तो यहाँ पर शादी से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग होगा, परमानेंट यूनियन होगा, स्पिरिचुअल यूनियन होगा गाइस। अगर इस जन्म में आप लोगों का यूनियन में आना है, आप लोगों का लाइफ एक साथ है, चलना है, तो ज़रूर यहाँ पर परमानेंट यूनियन होगा। लेकिन जो लोगों के पर्सन कार्मिक है, ठीक है, टॉक्सिक रिश्ते में आप लोग हो, जिनका भी रिश्ता टूटना होगा तो वो भी वहाँ पर टूटेगा गाइस, ठीक है। तो मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कौन सी जर्नी में हो और आपका रिलेशन कैसा है, फिर भी यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रिगर मिलने की चांसेस है जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में है और टॉक्सिक स्पेशली डेविलिश एनर्जी के साथ है, टॉक्सिक एनर्जी के साथ है, वहाँ पर आपको ट्रिगर मिलने वाला है गाइस। और जिनका पर्सन सही है, जिनका रिश्ता सही है, यहाँ पर बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स आए हैं तो ज़्यादातर 1 वीक के अंदर आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, आपको कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। तो आज हम इस डेक को यूज़ करेंगे गाइडेंस के लिए। लिसन टू गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में ताकि उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सके। Please guide me. मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। कुछ लोग खुद को ट्रैप करके रखे हो, हैप्पी नहीं हो, किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, तो यहाँ पर आपको खुद के करियर में फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, तब जाके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, खुद के करियर में फोकस करो, खुद के लाइफ में फोकस करो, खुद को स्टक मत रखो किसी भी सिचुएशन में, या फिर घर में कैद करके मत रखो, किसी की एनर्जी में, किसी की यादों में खुद को बांध के मत रखो, ठीक है। वहाँ से खुद को रिलीज करो, जितना हो सके सेल्फ लव करो, खुद के लाइफ में फोकस करो, खुद के करियर में फोकस करो, जितनी तरीके का इम्प्रूवमेंट हो सके आपके लाइफ में वो लेके आने की कोशिश करो, तब जाके आपको जो है इस फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दिखने को मिलेंगे, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, अबंडेंस आएगा, ठीक है। और आपके लव्ड वन भी वापस आएंगे, देखिए किंग ऑफ रोजेस, तो रोज लेके वापस आएंगे, प्यार केयर लेके वो वापस आएंगे जब आप अपनी लाइफ में काम करोगे। तो गाइस ये था आज के दिन में नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर से लाइक करें और सभी लोग कमेंट करें ताकि आप फ्री रीडिंग पा सको, फ्री रीडिंग पाने की चांसेस आ सके आपके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में मैं देखूंगी कि कितने सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अगर मुझे लगा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो आने वाले वीक में मैं 2 फ्री रीडिंग्स दूंगी, ठीक है। तो इस हफ्ते में 1 फ्री रीडिंग रहेगा और मैं देखूंगी कि कितना जो है रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं 2 फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, जो लोग भी कमेंट करेंगे उनमें से, ओके। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।